नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बुधवार को दिन भर चले उठापटक के बीच भले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी को मात दे दी हो, लेकिन प्रदेश में नया सियासी संदेश भेजने में अखिलेश यादव कामयाब रहे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीजेपी द्वारा बसपा को वॉकओवर देने की योजना को निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को मैदान में उतारकर बेनकाब कर दिया, उससे वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा में साठगांठ का संदेश देने में लगभग सफल रहे। उधर नौवां प्रत्याशी मैदान में उतारकर बीजेपी जो सियासी संदेश देना चाहती थी उसमें ज्यादा सफल रही। बीजेपी की कोशिश 2022 में विपक्षी एकता को धूमिल करने की थी और उसमें वो पूरी तरह से सफल दिखाई दी। अब प्रदेश की सियासत एक नया मोड़ लेती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में हुई उठापटक और सियासी दांवपेच के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोला। इसको लेकर हम अपने खास मेहमानों के साथ आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यहां पर सपा बनाम बसपा ही नहीं बल्कि बसपा बनाम बीजेपी भी हो गया और बीच में कांग्रेस की एंट्री भी है। सियासत गरमा गई है। अखिलेश ने लंबे समय के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उसका व्यापक असर भी दिखाई दिया, लेकिन उस बीच में बीएसपी ने उन तमाम पुराने मुद्दों को उठा दिया है जिन मुद्दों को वो भूल चुके थे और तभी गठबंधन किया था सपा के साथ। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का साथ देने की बात कहकर यहां पर मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल पीछे से वो लगातार बीजेपी के साथ रही। अब इसमें और क्या बाकी है, इसके बाद बीजेपी की भी एंट्री होती है और बीजेपी दो टूक जवाब देती है बसपा को, बसपा प्रमुख को, कि हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हमारा कारवां अकेले था, अगर माफी मांगनी है गठबंधन को लेकर तो आप जनता से माफी मांगे। बहरहाल तो सियासत किस करवट जाएगी भविष्य में यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी हल्ला बोल का दौर जारी है। मायावती ने अपने विधायकों के बागी होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कहा, सुनिए। इनका इतिहास भी यही बताता है। वैसे कुदरती तौर पर बीएसपी के साथ ये बहुत ही अच्छा हुआ कि सपा का ये घिनौना रूप एक बार फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव से पहले ही आ गया है, ताकि लोग मेरे कहने की बजाय खुद ही ये देखने कि बीएसपी के साथ सपा ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है, बल्कि हमेशा ही दगा व बाहरी एवं भीतरी विश्वासघाती किया है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर यानी कि सपा ने श्री अखिलेश यादव ने इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने की बजाय उनका हर प्रकार से अनादरी किया है। वो ये बौखलाए हुए हैं सपा के लोग और ये सोचने कि जोड़ तोड़ करके ये पावर में आ जाएंगे तो ये इनको अपने पिता श्री से जरूर सीख लेना चाहिए। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। अंत में इसका जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है। तो मेरे ख्याल और जो ये गलत फहमी पैदा कर रहे थे कि भाई हमने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया, ऐसा नहीं, हमने इनको पूरा मौका दिया था। सही बात तो ये है कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये श्री राम गोपाल को खड़ा कर रहे हैं तो शायद ये अपनी औरत को खड़ा करेंगे, अपनी वाइफ को, वो चुनाव हार गई थी। मैंने मिश्रा जी को यही कहा कि देखो वो चुनाव हार गई थी, यदि वो अपनी औरत को लाते हैं दूसरा कैंडिडेट बनाकर तो फिर हमें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। ये हमने फैसला ले लिया था, हमने पार्टी के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि नहीं उनको जिताना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने तो टेलीफोन ही नहीं उठाया, मिश्रा जी का नहीं पूरे ब्राह्मण समाज का। बहरहाल तो यही सियासत है और सियासत में किस तरीके से आप देखिए कि बातें बदल जाती हैं, पुराने मुद्दे फिर से याद आते हैं, जिन मुद्दों को भुला दिया गया, मुकदमा वापस कर लिया गया, आज उस भूल का एहसास बसपा को है, बसपा प्रमुख को है। लेकिन बसपा प्रमुख ये भी कह रही हैं कि हम तो ये चाहते थे कि अगर कोई परिवार का कैंडिडेट आएगा, यानी डिंपल का वो जिक्र कर रही थी, तो हम तो सहयोग देंगे, लेकिन सपा ने अपने आचरण के हिसाब से फिर से हमें धोखा दिया, समाज को धोखा दिया। बहरहाल अब बीजेपी के साथ जाने की बात भी बीएसपी प्रमुख ने कही कि अगर सपा को हराने के लिए जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी का साथ भी देंगे। कांग्रेस ने भी उसमें एंट्री मारी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन बीजेपी ने क्या कहा,
सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, माफी मांगना है तो जनता से माफी आप मांगिए, क्योंकि आपने गठबंधन किया था सपा से। सुनिए। देखिए, मायावती जी और अखिलेश वो हैं जो बबुआ भतीजा बने हुए थे पिछले चुनाव में, मुंह की खानी पड़ी। अब वो दोनों एक दूसरे को प्रेम की जगह अब उनकी राजनीतिक नूरा कुश्ती हो रही है, तो चलने दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है, उनके किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। तो इन लोगों के पास कोई अब चारा नहीं है अपने अलावा एक दूसरे से लड़ने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से और योगी जी से अब इनके अंदर लड़ने की कोई शक्ति नहीं। और खुद अपनी गलतियां गिनवा लें मायावती जी, एक दिन अखिलेश जी भी आ जाएं, वो भी गलतियां गिनवा दें, मगर एक गलती दोनों की जो है वो कॉमन है, वो है कि आप सरकार में आए, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है और लूट कर आपने अपनी तिजोरियां भरी हैं। इसके लिए दोनों सार्वजनिक एक साथ मंच पे आके माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर में सक्षम है, मजबूती से खड़ी है, कार्य कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी का केंद्र में है। हमें आप वोट आपकी आवश्यकता नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। बहरहाल, तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से सीधे तौर पर बसपा प्रमुख के ऑफर को ठुकरा रही है और सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनता है और हम जनता के साथ हैं। अब यहां पर बसपा के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब अंदर खाने की रणनीति भविष्य में क्या बनेगी, ये तो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में ना सिर्फ पार्टी के भविष्य पर खतरा है, पार्टी के ऊपर खतरा है, उसके साथ साथ 2022 की रणनीति कैसे बनाकर और कितना मजबूत कर पाएंगी मायावती अपनी पार्टी को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सबके बीच में कांग्रेस की स्थिति को आप देखिए और समझिए। कांग्रेस जो कि अब तक यह मानकर चल रही थी कि हम सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष की, समाजवादी पार्टी के मुखिया के एक स्ट्रोक के बाद या मास्टर स्ट्रोक के बाद कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमलावर है और सीधे तौर पर वो समाजवादी पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक को छल कपट करा रही थी। यहां तक कहा गया कि दरअसल ये धनबल का प्रयोग है, इस वजह से वो विधायकों को तोड़ रहे हैं और कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन बसपा प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि ना गठबंधन करना सिर्फ उनकी भूल थी, बल्कि यह भी भूल थी कि उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को भूला और मुकदमा वापस किया। उस वक्त में यह मुद्दा बीजेपी उठाती थी जब दोनों पार्टियां गठबंधन कर रही थी, और उस वक्त यह तर्क आया था कि असल में अखिलेश यादव उस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं थे, इसलिए उनको हम दोष नहीं दे सकते, हम नए सिरे से एक नई पार्टी से एक तरीके से गठबंधन कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह होगा कि वही अखिलेश यादव और वही गठबंधन, उसी पार्टी से गठबंधन, तो उसमें पेच कहां फंसा? विधायकों का टूटना कितना ज्यादा खतरनाक होगा खुद बीएसपी के लिए भविष्य में, यह भी सवाल है। बीजेपी इस पूरे मामले में किस तरीके से सधे अंदाज में आगे बढ़ रही है और कैसे इस पूरे मामले का अपने तरीके से मोल्ड करके फायदा लेने की भविष्य में कोशिश करेगी, यह भी अपने आप में एक चर्चा का विषय हो गया। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा और कांग्रेस कैसे अब इस दांव पेच से निकलकर अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएगी? सियासत के खेल में फिलहाल जो सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है वो नुकसान है खुद बसपा का। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश ने एक संदेश तो दे दिया है, ये संदेश देना ही उनका मकसद अगर था तो भी उसमें वो कामयाब रहे। आगे अब क्या होगा, कोर्ट में मामला और फिर उसके बाद राज्यसभा में किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन सबसे अहम है इन दोनों नेताओं के लिए, दोनों पार्टियों के लिए, ना सिर्फ राज्यसभा बल्कि 2022 का जो चुनाव है वहां पर एज लेना जरूरी था और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वो एज लिया है। अब यहां पर बीएसपी के लिए दो तरफा चुनौती हो गई, ना सिर्फ अपने काडर को मजबूत रखना, वहां पर लोगों को एकजुट रखना, बल्कि उसके साथ साथ नए सिरे से अब समीकरण बिठाने की कोशिश होगी, क्योंकि अब सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी खत्म हो चुका है, वो तमाम फॉर्मूले बीएसपी अपना चुकी है। भविष्य में वो किसके साथ जाकर चुनाव लड़ेंगी, अकेले अगर लड़ेंगी तो क्या स्थिति होगी, और अभी मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी को जो जवाब दे रही उसका कितना असर हो पाएगा समाज में, उनके खुद के वोटर्स में, यह भी सवाल है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मनोज यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज भाई, बहुत स्वागत है आपका। सवाल सिर्फ इतना है मनोज भाई कि आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक तो खेला, एक संदेश तो आपने दे दिया,
लेकिन देखिए अब यहां पर बुआ बहुत नाराज हैं और आहत भी हैं। वो कह रही हैं कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर डिंपल को चुनाव में उतारा जाता तो वो तो जिताने की बात कर रही थी, उसके लिए कोशिश में लगी थी और आप लोगों ने धोखा दे दिया। देखिए निश्चित तौर पे ये राजनीति है अतुल जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ मौके पे, कौन किसके साथ धोखा दे रहा है और कौन भविष्य में हमारा साथ देने की बात कर रहा हूँ। क्या समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए, जब वो पूर्व इससे पहले का राज्यसभा चुनाव हुआ था तो हम खुल के मैदान में नहीं आए थे क्या जी? क्या समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके जीरो से दहाई तक की सांसदों की संख्या बहुजन समाज पार्टी की नहीं पहुंचाई? और अगर हम चुनाव हार गए, चुनाव हारने का मतलब हमारी सीटें 5 ही रहीं, आपकी 0 से 10 हो गई, फिर आपने आरोप लगा के हमारी ही हमारा गठबंधन तोड़ दिया, क्या ये पहल समाजवादी पार्टी ने की थी क्या? और जिस तरीके से, ये तो उजागर करने की बात है कि कौन किसके साथ है, और ये अतुल जी जनता को बहुत जरूरी है जानना, और समाजवादी लोगों की एक खास बात है कि समाजवादी जिसके साथ है वो खुलकर है, मैदान में है, पर्दे के पीछे से कोई गेम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये जनता को जानना जरूरी था कि बहुजन समाज पार्टी आज की डेट में किन ताकतों के साथ खड़ी नजर आ रही है, क्या इन्हीं ताकतों की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव इन्होंने हमारे साथ हमारा गठबंधन तोड़ा? अरे समाजवादी पार्टी तो आगे का सपना देख रही थी कि हम 2022 का चुनाव होगा तो हम बहन जी के साथ चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, लेकिन आपने तो तत्काल गठबंधन तोड़ लिया। तो ये सवाल आप हम पे कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ भी 4 उंगलियां जाएंगी, चूंकि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ मनोज भाई इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अगर एक उंगली आप तो उनकी तरफ उठा रहे हैं तो कितनी उंगलियां आपकी तरफ आ रही हैं ये बसपा प्रमुख भी जानती हैं, बसपा के लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है, आपने कहा कि हम पिछले राज्यसभा चुनाव तक ही अगर हम चर्चा कर ले तो तब भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया? और एक्सपोज करने की अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारा मकसद ये था कि हम एक्सपोज करें कि कौन किसके साथ है, तो यहां पर सिर्फ एक्सपोज करने से एक का खुलासा नहीं हुआ बल्कि समाजवादी पार्टी पर अब कांग्रेस हमलावर है। यहां तक कहा जा रहा है कि आप लोगों ने धनबल का प्रयोग करके किया है, मकसद आप लोगों का ये था कि गलत तरीके से आप एक पार्टी को तोड़े और धनबल का उसमें आपने उपयोग किया। देखिए कांग्रेस अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो कांग्रेस को विचार और मंथन ये दोनों चीजें एक साथ कर लेनी चाहिए। वो खुद इस धनबल की राजनीति का शिकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो और कैसे सरकार बनी हो चली गई, इसके बाद फिर चाहे राजस्थान में प्रक्रियाएं हुई, गोवा में हुई, बहुत सारे ये उदाहरण है कि कांग्रेस धनबल की राजनीति का शिकार हुई है। अगर आप समाजवादी पार्टी पे हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजों का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत आरोप है, और मैं इसलिए इस बात को गलत कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ना तो किसी को बुलाने गई थी, ना वोटिंग पैटर्न में किसी को खरीदने की बात थी। निश्चित तौर पे जब देखा कि उनकी ही पार्टी के विधायकों ने जब देखा कि समर्थन हम भाजपा से हमारी पार्टी ले रही है, तो उस आधार पे उनकी पार्टी के लोगों ने जो तमाम सारे भाजपा की लहर में चुनाव जीत के आए थे, उन लोगों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी पार्टी से अपने आप को अलग करने की कोशिश की। तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना, ये तो बड़ा सस्ता सा आरोप है। अगर आरोप ही लगाना है तो कोई बड़ी बात कही जाए, कोई साक्ष्य के साथ बात कही जाए तो जो बनता है। ठीक है मनोज भाई हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ बीएसपी के विधायक हकीम साहब जुड़ चुके हैं। हकीम साहब सवाल इस बात का है कि ये परिस्थिति बनी क्यों, और अब देखिए दो प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं, लेकिन उसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के सिग्नेचर प्रस्तावक के रूप में नहीं थे, प्रस्तावक के रूप में नहीं थे, और उसमें जो है फर्जी सिग्नेचर करके हम लोगों का पर्चा दाखिल किया गया। ठीक है, रामजी अम्बेडकर के हम लोग प्रस्तावक नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था जी कि यदि हमको, अगर हमको कैंडिडेट उतारने में गलती हो जाए तो आप लोग गलती मत करिएगा, अगर हमारी नेता ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके कैंडिडेट लड़ा रही हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
अगर हमको हमारे क्षेत्र की जनता ने जिताने का काम किया, दलितों शोषितों पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए किया, तो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को हम कैसे वोट दे दें। हाकिमलाल बिन साहब, मेरा सवाल ये है, दो बातें आपने कही है, मैं दोनों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बात आपने एक और कह दी कि कांशीराम साहब ने क्या कहा था उसको आपने याद रखा और इस वजह से कदम उठाया, क्या आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी नेता ने गलती की थी और समझौता करके गलती की थी? स्पष्ट आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं। बिन साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या आप सीधा मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत चुनाव किया, गलत व्यक्ति को चुना और बीजेपी से साठगांठ करके किया ये? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, बिन साहब से हम जल्दी संपर्क साधेंगे। लेकिन बड़ी बात कही एक कि मैं प्रस्तावक नहीं था क्योंकि मेरे हस्ताक्षर नहीं थे और मेरा हस्ताक्षर अगर वहां पर दर्शाया गया था तो वो जाली था, फोर्जरी का मामला, वो खुद अपनी तरफ से पहले भी कह चुके हैं कि दर्ज कराएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि मायावती पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि कांशीराम के कहे शब्दों को भूल चुकी हैं, उनके वाक्यों को मायावती भूल चुकी हैं और बीजेपी से साठगांठ उन्होंने किया था, इस वजह से इन विधायकों ने यह फैसला किया, उसमें से एक बिन साहब भी है। मनोज भाई, अब मेरा सवाल, यहां पर वाकई बीजेपी और बीएसपी के साठगांठ को आपने एक्सपोज करना था, आपने किया, यही बात आप कह रहे थे, बिन साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, माफी मांगना हो अगर बसपा प्रमुख को तो वह जनता से मांगे कि आपने गठबंधन किया क्यों सपा से। देखिए, महत्वपूर्ण बात पे चर्चा बीजेपी कभी नहीं करती है, ये बीजेपी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। अगर बीजेपी आज के परिदृश्य में ये बात जनता को बताए कि क्या उनका बसपा के सुप्रीमो के साथ कोई बातचीत चल रही है, या 2022 में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, या जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से कि प्रस्तावक के नाम फर्जी पड़ गए इसके बावजूद भी अगर उनके सांसद को राज्यसभा भेजना चाहती, इन बातों पे सवाल जवाब होना चाहिए। पूर्व में क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, और इस तरह की बातें करके और समाजवादी पार्टी से दोस्त मांगे और मायावती जी जनता से माफी मांगे, इस तरह की बातें करके मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच में वो चीज जा पाएगी जो जानी चाहिए। ये अतुल जी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है मनोज भाई, लेकिन आपको, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं कि आपके नेता का ये स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक कह लें, उससे आपने एक मैसेज तो दे दिया, उस मैसेज से कितनी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि अब आप पर भी चौतरफा हमले हो रहे हैं। यहां पर बात सिर्फ बसपा और बसपा प्रमुख की नहीं है, वो तो उठा ही रही है और गेस्ट हाउस कांड तक को उन्होंने उठा दिया कि मैंने मुकदमा वापस लिया, बड़ी भूल थी, मैंने गठबंधन किया उससे बड़ी भूल थी। अब यहां पर उससे इतर कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी सबसे किनारा कर रही है, तो आपकी सफलता की कितनी उम्मीद आपको दिख रही? अतुल जी, मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल से हम गठबंधन कर ले, हमें 10 लोकसभा के सदस्य मिल जाए और हमारा क्रेज बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे हम भूल कभी नहीं कहेंगे। और हम इतने एहसान फरामोश पार्टी हैं भी नहीं, इस बात को भी हम भली बात जानते हैं कि हम किसी पार्टी के मिटते हुए अस्तित्व को हम बचाने का प्रयास करें, देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने के लिए गठबंधन करें, उसको हम भूल में कन्वर्ट कर दें। इन बातों को दोहराने से इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है अतुल जी कि बसपा के पास कोई बड़ा विजन नहीं है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और इस देश की जनता के लिए सार्थक साबित हो। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनके पास विजन नहीं है, ये तो अभी तक दिख रहा है, लेकिन अब वो विजन कितना बना पाएंगे भविष्य की बात है। हाँ, आपने एक विजनरी कदम जरूर उठाया, यानी आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने। मनोज भाई बने रहिए हमारे साथ, आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हाकिम साहब भी हमारे साथ हैं, प्रमोद गोस्वामी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाकिम साहब, बहुत जल्दी से एक बार फिर से मैं वही सवाल कर रहा हूं, चलिए शायद फिर से संपर्क नहीं है। प्रमोद गोस्वामी, मेरा सवाल यह है कि अभी मौजूदा जो परिस्थितियां दिख रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक अचानक से माहौल बन गया सियासी उत्तर प्रदेश में, जो कि विपक्ष के एक पार्टी के नेता के कदम से बना, और अब दूसरी पार्टी की प्रमुख नेता उन तमाम बातों को याद करने लगी हैं जिसको वो खुद भूल चुकी थी। अतुल जी, देखिए, ये पूरी तरीके से 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने, उसके लिए ये सारे नट और पेच जो है ये कसे जाने और उनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी का है, ये एक उसका, ये पहले ही लग रहा था जब
बजाज ने अपना नॉमिनेशन किया था तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें कोई सियासी खेल होने वाला है, क्योंकि बजाज का ना तो कोई राजनीतिक कहीं कोई संपर्क रहा है ना कोई चीज रहा है। जिस ढंग से वो एकदम चुनाव के मैदान में कूद पड़े तो उसमें ये संकेत तो लगने लगे थे यहाँ राजनीतिक गलियारे में कि कहीं ना कोई राजनीतिक इसमें दांवबाज भी चलने को है। उसी बीच में जो मायावती ने, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जो बसपा में तोड़फोड़ शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, आते आते इसमें और बहुत सी चीजें होंगी कि जो वहां से वो कितने कितना अपने को रोक पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस ढंग से मायावती जी ने स्पष्ट संकेत दिया, क्योंकि यहाँ जो अलायंस बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, इतने प्रयोग हो चुके हैं उसमें सब विपक्ष विफल रहा है, तो अब की बहुत ठोक बजा के चीजें चल रही है। और मायावती ने जो कार्ड खेला है कि ये कह के कि हम बीजेपी को अगर जो अगले वर्ष फरवरी में विधान परिषद के चुनाव होने को है सपा को रोकने के लिए हम बीजेपी का साथ दे देंगे, और वही बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो मंत्री हैं उन्होंने पलटवार करके कहा कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो बिसाते बिछाई जा रही है 64 पर ये बिसाते बिछने का काम हो रहा है। ठीक है प्रमोद गोस्वामी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, मनोज यादव भी हमारे साथ है, हाकिमलाल बिन साहब हमारे साथ मौजूद है। हाकिम साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी आ रही है, आ रही। बोलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण दो बातें कही थी, एक बोलिए कांशीराम के संदेश को भूल गई है मायावती और गलत चुनाव किया, गलत चयन किया उन्होंने कैंडिडेट का, और दूसरा कि आप प्रस्तावक नहीं थे, आपका हस्ताक्षर फोर्स था, गलत था। मैं सवाल सीधा ये पूछ रहा, क्या मायावती पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से साठगांठ करके ये किया था और उसमें आप लोगों को फंसा दिया? नहीं, मैंने माननीय बहन जी के ऊपर मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, हमारा उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों से हम दुखी थे, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग, मैं मौजूदा में विधायक हूँ अपनी विधानसभा से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर मेरी विधानसभा में कैंडिडेट खोज रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम आहत थे, मैं दुखी था, इसलिए जो है हमें बगावत करने की जरूरत पड़ी। हाकिम साहब आप कह रहे हैं आप मायावती पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो आरोप किस पर लगा रहे हैं? क्योंकि जितना मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं बखूबी, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, आपकी पार्टी में मायावती के अलावा कोई फैसला नहीं लेता है, और उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुन लिया, आप लोगों पर तो एक्शन उन्होंने लिया ही है। वो ये कह रही है कि हम तो समाजवादी पार्टी के नेता से ये उम्मीद कर रहे थे और उसके आधार पर उनका साथ देने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं कोऑर्डिनेटर से आप नाराज हैं, फैसला क्या कोऑर्डिनेटर लेते हैं आपके यहाँ? देखिए जैसे आपने अभी माननीय बहन जी का स्टेटमेंट सुना, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा ना, माननीय बहन जी ने सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी को जो हराएगा हम उसी को सपोर्ट कर देंगे। ऐसे हालात में हम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को कैसे समर्थन दे सकते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों पर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के झंडा बने तरह आगे बढ़ेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के नीतियों रीतियों पर भरोसा करते हैं और मुलाकात अखिलेश से होती है जी, उसका क्या मतलब हुआ? जी नहीं, ये जो आरोप प्रत्यारोप है बिल्कुल बिल्कुल गलत और निराधार है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई। कुछ बात हुई है फोन पर? नहीं, कुछ कोई फोन पे बात नहीं हुई है। हम लोग प्रकाश बजाज को जानते भी नहीं थे, लेकिन उपनेता द्वारा हम लोगों के ऊपर, उपनेता उमाशंकर सिंह द्वारा हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर ये लोग बिक गए, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल
बिल्कुल गलत है, निराधार है। हम लोग ना तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता से मिले हैं, ना तो हम लोग प्रकाश बजाज का चेहरा भी देखे थे। हाकिम साहब, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद में मनोज भाई के पास जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, आप ये कह रहे हैं कि आप बीएसपी के साथ थे और हैं और रहेंगे, बीएसपी की नेता, आपकी नेता वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मैं बीजेपी का समर्थन भी कर दूंगी, क्या ये भी आप कहेंगे कि हाँ हम भी समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे नेता ने कहा है? नहीं, अगर हमारी नेता अगर गलत दिशा में समर्थन करेंगी तो हम उस समय भी साथ नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में है, लेकिन हम गलत कैंडिडेट के साथ नहीं है। नहीं, बीजेपी के साथ है कि नहीं, कैंडिडेट थोड़े ना होगा वहां पर, बीजेपी पार्टी के साथ है कि नहीं, क्योंकि आपके नेता तो उनके साथ जा रही है, वो कह रही है। हमारी नेता जाएंगी, उनका अलग निर्णय है, हमारा अलग निर्णय है। चलिए, आपने लाइन क्लियर कर लिया है कि आप सपा के साथ भी नहीं है, आप बसपा के साथ भी नहीं रहेंगे अगर गलत फैसला होगा, और बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जाएंगे। मनोज यादव, मुलाकात भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, हाकिम साहब ये कह रहे हैं, और कल का जो प्रकरण था वो आपने भी समझा होगा, देखा होगा, हमने भी देखा। आप लोग कल ये कह रहे थे कि जिन लोगों को अखिलेश में भविष्य दिख रहा है वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, हाकिम साहब कह रहे हैं कि ना मुलाकात हुई ना बात हुई। देखिए अतुल जी, ये तो बांधगी मात्र है, और अभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बड़े निर्णय होने जा रहे हैं, आपको थोड़े दिन में ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेंगी। और जिन जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी में विश्वास है, वो सबके सब आपको समाजवादी पार्टी 19 विक्रमादित्य मार्ग पे नजर आएंगे। और मैं इस बात को किसी बड़बोलेपन में नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ी शालीनता के साथ इस बात को रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास को, राजनीतिक दशा को, सामाजिक आर्थिक दिशा को, बेरोजगारों को, नौजवानों को अगर कोई नई दिशा दे सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। इस परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में बड़े भूचाल हलचल होने वाले हैं, और अगर बीजेपी वो पार्टी है, आप ध्यान करिए थोड़ा सा, कि एक विधायक लेके ये मुख्यमंत्री बना लेते हैं, पांच विधायक लेके मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो ये इतने विधायक हो के इन्होंने राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं उतारा, इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि सब दाल पूरी मिली हुई है, लाल पीली काली दाल एक में ही है। लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए। अगर 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 आपको ये लगता है मनोज भाई कि ये पूरी दाल काली है, पीली है, नीली है, वो सब छोड़ दीजिए, आपको एक मैसेज देना था, एक्सपोज करना था, वो आपने कर लिया, और वो आपका वाकई सफल कदम है, और इसी को आप 22 तक लेकर जाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, इतना ही है तो ठीक है। लेकिन जैसा हाकिम साहब कह रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं है, कमर अली भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे जुड़ चुके हैं कमर अली, बीजेपी के प्रवक्ता। कमर अली, सबसे पहला तो ये कि बहन जी आपके साथ आना चाह रही हैं, आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, और एक्सपोज कर दिया है समाजवादी पार्टी ने आपको और बहन जी दोनों के गठजोड़ को, ये मनोज यादव कह रहे हैं। अतुल जी, जो भी विधान परिषद का चुनाव होता है या राज्यसभा चुनाव होता है उसमें विधायकों की संख्या ऊपर होता है, हमारी जितनी संख्या थी उस हिसाब से हमने राज्यसभा मेंबर 8 उतार दिए, जो केंद्रीय सूची हमारी जारी हुई, पहले इन सब 8 लोगों का उसमें नाम था, हमने कानून का पालन करते हुए उन 8 का नामांकन कराया, हमने अपनी जो प्रक्रिया होती उसको पूरा किया, हमने किसी से इस बारे में कोई मतलब न कल था और ना है और ना रहे, ये बता देना आपके चैनल पे माध्यम बहुत जरूरी है। इसके कुछ लोग होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, तो आपने ये देखा मायावती जी ने जो इनके साथ किया श्री अखिलेश यादव जी के साथ, जो कांग्रेस ने किया श्री अखिलेश यादव जी के साथ, तो इनके कर्मों का फल है, कर्मों का फल यूं बता देना आपको बहुत जरूरी है कि काम बोलता है भाई, काम बोलता था तो आपको बताइए, इतना शोर थे आपके, काम बहुत खराब था, तो आपने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कोई उराज मिलके चले, और उन्होंने कहा 27 साल बिहार उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया अगर आपका काम बोलता था, फिर लोकसभा में आपने जो गठबंधन किया वो बहुजन समाज पार्टी से आपने गठबंधन किया, जिसको श्री मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम जेल भेजेंगे मेरी सत्ता आने के बाद, वही अखिलेश यादव जी कहते रहे, आप बताइए इस कमर अली साहब, देखिए कमर अली साहब, किसने क्या किया, किसने किसके साथ गठजोड़ किया, उसमें तो आप भी वही हैं, वो भी वहीं पर है, कई बार आपने किया, कई बार उन्होंने किया, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन आप कह रहे हैं आप फेयर गेम खेल रहे थे, 8 के आंकड़े थे तो 8 ही उतारा, मैं कह रहा हूं कि एक और आंकड़ा आपका बढ़ सकता था, और अगर बढ़ जाता उच्च सदन में आंकड़ा तो
तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। और उस पानी में आप क्यों नहीं उतरे जिसमें आपको तैरना भी आता था, और अगर नहीं भी आता था तो आपके लिए नाव भी खड़ी थी, आराम से उतरकर वापस जा सकते थे, किनारे पर पहुंच सकते थे। ये सवाल अभी भी बना है और समाजवादी पार्टी पूछ रही और कह रही है कि यही असल में खेल था। बहरहाल प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे चाहूंगा, क्या सपा ने जो डैमेज किया बसपा का, अभी उसको बसपा बीजेपी का साथ देकर या कहकर ये बात मेंटेन करने की कोशिश कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से वो खाली समाजवादी पार्टी को ये जिताने की कोशिश कर रही है कि हम एमएलसी के चुनाव में तुमको न देके बीजेपी को दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये इस भाजपा और सपा के इस बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा भंटाधार दिखाई दे रहा है। तो उनके विधायक भी, अभी जो आपके विधायक मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम उनकी उस नीति को नहीं मानेंगे अगर वो ऐसी पार्टी के साथ समझौता करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को लेके बहुजन समाजवादी पार्टी में वो एक बड़ी स्प्लिट कराने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी, ऐसी मेरी जानकारी है। और कुछ लोग उसके संपर्क में हैं भी। अगर जो अभी बसपा के कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता ने ये बात कही, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि साहब आप ये बताइए कि साहब उनका बीजेपी का समर्थन कांग्रेस का सपा ने किया, तो आपने भी तो जब आपके और सपा के बीच में समर्थन हुआ तो किसने दिख किया और क्यों ये गठबंधन टूटा? बहुजन समाज पार्टी पार्टी ने भाजपा के साथ नहीं, नहीं, प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ बीएसपी के विधायक मौजूद है, हाकिमलाल बिन साहब है, और जो वो कह रहे हैं कि ना कोई मुलाकात हुई ना कोई बात हुई, क्या इस बात से आप सहमत हैं पत्रकार के तौर पर कल के प्रकरण को देखते हुए और सब कुछ जानते हुए? नहीं, देखिए ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि ना हमारी कोई मुलाकात हुई ना कोई, और ये हवा में थोड़ी तीर चला दिया गया। ये निश्चित रूप से हुई है, इससे इनकार वो ठीक है, वो इस समय अपनी सदस्यता बचाने के लिए ये उनको बयान देना चाहिए, वो दे रहे हैं, वो एक टैक्टिक उनकी अपनी हो सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, सब लोग गए वहाँ, मुलाकात हुई है, और ये निश्चित रूप से ठीक है। प्रमोद जी इसी का जवाब मैं बिन साहब से लूंगा। हाकिम साहब, सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं ना कोई मुलाकात ना कोई बात ना ही मैं प्रस्तावक था, ये सब कुछ एंड टाइम पर कैसे हुआ? आप उस वक्त में एंड टाइम पर जाते हैं विधानसभा, या फिर आपके लोग आपके साथी जो कि प्रस्तावक नहीं थे उनका भी जो हस्ताक्षर था वो गलत था, ये एंड टाइम पर आपको कैसे पता चला? उसके पहले कुछ पता ही नहीं था, जबकि आप ये भी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर गलत काम कर रहे थे, ये मुझे पता है। भाई हम विधानसभा के मेंबर हैं, हम विधायक हैं, हमको टाइम का पता नहीं रहेगा कि किस समय क्या हो रहा है? क्यों नहीं पता रहेगा? नहीं नहीं, आपका हस्ताक्षर गलत था, ये आपको नहीं पता था? टाइम तो यही नहीं पता रहेगा, मुझे पता है कि समय स्कूटनी हो रही है, किस समय क्या हस्ताक्षर गलत था, ये आपको कब पता चला एंड टाइम पे? जी हस्ताक्षर नहीं नहीं हस्ताक्षर गलत था ये हमको एक दिन पहले पता चला, लेकिन हस्ताक्षर गलत था, लेकिन अब जिस समय हमको पता चला उस समय हम एफिडेविट नहीं दे सकते थे। हमने कल एफिडेविट बनवा के कल हमने दिया। आप एफिडेविट का अगर जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है कानूनी तौर पर प्रस्तावक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, वहां पर भी एक एफिडेविट देना पड़ता है, तो वो एफिडेविट किसने दिया था? जी एफिडेविट हम लोगों ने जहां आरओ टेबल पे दिया, हम लोगों ने एफिडेविट वहां हम लोगों का स्वीकार किया गया, हम लोगों से बयान लिया गया, हम लोगों ने एफिडेविट देकर तब आए हैं। नहीं नहीं, आप दूसरे एफिडेविट की बात कर रहे हैं, मैं उसके पहले के एफिडेविट की बात कर रहा हूं। बहरहाल ठीक है, अब आपने अपनी नेता पर भी कुछ नहीं बोला, आपका कहना है कि आप उसके, उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, उसके बाद आप कोऑर्डिनेटर को बीच में लेकर आते हैं। हाकिम साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दे दीजिएगा। सर मेरा सवाल सीधा है कि अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नेता में अभी भी आपको भरोसा है, नेता ने आप लोगों पर एक्शन ले लिया, वो कह रही है बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं और जाएंगी, आप कह रहे हैं कतई नहीं जाएंगे, तो जाएंगे कहां? और मुलाकात तो हुई थी, इतना तो आप मान लीजिए, सारी चीजें एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पर थी, ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ है कौन कौन प्रस्तावक था या नहीं था या कौन गया था सपा कार्यालय, वो सब कुछ दिखा था। हम लोगों का अगला कदम क्या होगा, और आज हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं,
हमारा केवल निलंबन हुआ है, न कि निष्कासन हुआ है। हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों पर हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हम बाबा साहब और मान्यवर साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। जब 2022 का चुनाव आएगा फिर देखा जाएगा, अगर माननीय बहन जी हम लोगों को टिकट नहीं देंगी, नहीं लड़ाने का काम करेंगी, तो फिर निर्णय लिया जाएगा। अखिलेश के साथ जाएंगे, पार्टी के विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी में बने हुए हैं। अखिलेश के साथ जाएंगे अगर टिकट नहीं मिला तो? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा ऐसी कोई हम लोगों की भावना नहीं है। हम लोग नहीं, हम लोग ऐसी कोई भावना नहीं, 2022 में इसका निर्णय हम लेंगे। ठीक है, चलिए, वो देखिए, वो आपका विशेषाधिकार है, वो आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा और ना पूछूंगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मनोज यादव, आप कहते हैं कि मकसद हमारा सिर्फ इतना ही था कि हम एक्सपोज करें। आपने अगर एक्सपोज भी कर दिया तो उसमें आपको कितना लाभ होता दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी किनारा कर रही है, कांग्रेस बीच में एंट्री मार रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो हम पहले से कह रहे थे, समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, वो तो आज कह रहे हैं, हम तो लंबे समय से कह रहे थे, प्रियंका ने बोल दिया, ट्वीट कर दिया, वीडियो डाल दिया कि अब क्या बाकी है, तो क्रेडिट तो कांग्रेस लेना चाह रही है, आपको क्या फायदा? देखिए, समाजवादी पार्टी फायदा और नुकसान की राजनीति बाद में करती है, लेकिन एक बात की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। आपको अगर दंगल में उतरना है तो किला ठोक के आइए, लंगोट कस के आइए, मैदान में आइए, पर्दे के पीछे की राजनीति से हम राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। अगर आपका गठबंधन है तो मंच पे आइए, अगर नहीं है तो एक्सपोज करिए। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही देश प्रदेश पूरा उलझा हुआ है, व्यवस्थाएं गड़बड़ है, और उसके बावजूद जिस तरीके का दुष्प्रभाव और दुष्चक्र जब उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है अतुल जी। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने वो जरूर करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप जान लीजिए, समझ लीजिए, वोट देने से पहले समझ लीजिए, चाहे वो चुनाव हो चाहे 22 का चुनाव हो, कि किस तरीके के लोग हैं। जो बातें आपस में, हमारा बसपा से गठबंधन हुआ तो हम कोई पर्दे के पीछे का गठबंधन नहीं कर रहे थे, हमने खुल के उनके राज्यसभा में एमएलसी में जब भी मदद करने की बात आई हमने खुल के मदद की, और जब हमारा गठबंधन हुआ तो खुल के गठबंधन सामने हुआ, हमने चुनाव भी लड़ा और बसपा को फायदा भी मिला। तो ये चीजें होनी चाहिए। ये चोरकटाई और चुट्टाई वाली राजनीति जो होती है, जो भाजपा ने उत्तर प्रदेश अभी तो नहीं पूरे देश में लागू कर दिया है, ऐसी राजनीति से देश को, प्रदेश को बचाना है। ठीक है मनोज भाई, बाकी सारी बातें आपकी सही है, मैं सहमत भी हूं उससे, लेकिन आपने कहा कि राजनीति आप ऐसी नहीं करते हैं जिसमें नफा नुकसान देखें, फायदा देखें। देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं, बिना फायदे के तो कोई राजनीति नहीं करता है आज के दौर में। लेकिन कमर अली, आपको तो फायदा ही फायदा था, बसपा प्रमुख खुद आपका आगे बढ़कर साथ देने आ रही है, फिर भी आप नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपको फायदा दिलाना चाहती है। आप 9 कैंडिडेट उतार सकते थे, आपने वो कदम पहले नहीं उठाया ये कह के कि हम फेयर गेम खेल रहे हैं। अब बसपा का अगर आपको सीधे तौर पर साथ मिल रहा है तो उससे बचने की क्या जरूरत है, इसका क्या मैसेज देने का मतलब है? असल में इसमें बचने की आवश्यकता ही कोई नहीं है, मुझे लगता है जब साफ सुथरी चीजें, साफ सुथरे आईनक तरीके हमने अपनी बात को रख दिया है। हमने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती जी को भी देखा, अखिलेश यादव जी को देखा, मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा, हम बहुत लंबे वक्त के बाद 15 साल के बाद इस सत्ता में आए हैं वापस। हम देखिए, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हम आवाम की खिदमत की बात करेंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। जब आप आवाम की खिदमत की काम की बात करते हैं, जो हमारे साथ जो लोग लड़े थे आज भी हमारे सहयोगी हैं, हमें कोई छोड़ के जाए कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी को छोड़ के जाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। इन लोगों ने कोई भी साफ सुथरा काम नहीं किया है, क्योंकि जब एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं अतुल जी, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे का, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं कि गेस्ट हाउस में, यही मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बचाया था, आपको याद होगा वो वाक्य अतुल जी? नहीं, मुझे तो सब याद है, तो मायावती भूल गई थी ना कमर भाई, मैं तो तब भी ये सवाल पूछता था, आप भी पूछते थे बीजेपी की तरफ से, तब मायावती कहती थी नहीं मैं भूल चुकी हूँ, और अखिलेश उसके लिए कैसे जिम्मेदार है, तब तो बेचारे पॉलिटिक्स ही नहीं करते थे। अब मायावती को भी याद आ गया, आपको तो याद था ही, मुझे तो हमेशा से याद था। अतुल जी, स्वार्थ की बात, यहाँ पे स्वार्थ की बात ये होती है, जिस दलित की बेटी बनती है मायावती जी, वो कहती है 21% वोट बैंक मेरा हो गया। अखिलेश यादव जी की वही दलित की बेटी जाके बैठती है, होटल में बैठती है जहाँ पे उनकी कौम का आदमी एंट्री नहीं कर पाता उस होटल के अंदर, वहां जाती है, उसके बाद अखिलेश यादव जी गठबंधन करती है, कहती है आपकी बिरादरी का 60% वोट हो गया, मेरा 21% हो गया, रहा
मुसलमान रहा, उसके बाद 18। चलिए अब देखिए, आप बीएसपी पर भी हमलावर हैं, सपा पर तो आप हमलावर हैं ही, क्योंकि सीधी लड़ाई सपा कह रही है कि बीजेपी से हमारी ही है, लेकिन उसके बाद अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये बचने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर क्यों कर रही है, सवाल ये था। कमर भाई मैं रोक रहा हूँ, हाकिम साहब बहुत जल्दी से एक सवाल आपसे, फिर मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है कि आप लोग अब इस दौर में क्या फिर से अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से बातचीत हो जाए, या उधर से कोई कोशिश की गई है? अभी तो आज माननीय बहन जी ने हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इन विधायकों के क्षेत्रों में, इन विधायकों के क्षेत्रों में हम उसी जाति के कैंडिडेट को लड़ाने का काम करेंगे जिस जाति के लोग ये विधायक चुनकर आए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जो जिसे रोशन खुदा करे। हमें तो हंडिया की आदरणीय जनता ने यहाँ चुनकर भेजने का काम किया है, अगर 2022 आएगा तो फिर निर्णय लिया जाएगा। मतलब सीधी लड़ाई आप लड़ेंगे मायावती से? नहीं, हम सीधी लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम मान्य बहन जी का कल भी स्वागत करते थे, आज भी स्वागत करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, कल भी मैं सम्मान करता था, लेकिन और सम्मान पूरे जीवन तक करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन मान्य बहन जी ने आज सुबह जो स्टेटमेंट दिया, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जिस जाति के विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, मैं उसके खिलाफ उसी जाति के विधायकों, उसी जाति के कैंडिडेट को लड़ाने का काम करूंगा, उन्हें हराने का काम करूंगा। तो मैं इस बात पे कह रहा हूं। तब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, जब आपने एक एक शब्द सुना है, अक्षरशः आपको याद है कि क्या बहन जी ने बोला है, तो आप तो समझ गए होंगे ना कि बहन जी अब पूरी तरह से आप लोगों से नाराज हो चुकी हैं, वो आप लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले चुकी हैं और भविष्य के लिए आपको क्लियर कट संदेश दे चुकी हैं। वो हमारी नेता हैं, हमारी नेता कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, हमारी नेता हैं, उनका निर्णय लेना उनका परम अधिकार है, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। 2022 में आपकी नेता वही रहेंगी या बदल जाएंगे? आदर के साथ हम 2022 में वही रहेंगी नेता या कोई और होगा नेता? 2022 अभी बहुत दूर है, अभी 15 महीने चुनाव है भाई साहब, 15 महीने चुनाव है, 15 महीने अभी दूर है। ये बात आप कहेंगे तो समझ से परे, चुनाव दूर होते हैं और तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, और यही तो कहा जा रहा था कि असल में माहौल समझना जरूरी था, कुछ लोगों ने समझ लिया है, इस वजह से उस तरफ मुलाकात करने पहुंच गए थे। बहरहाल हाकिम साहब बने रहिए। प्रमोद गोस्वामी जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं हम कैसे देखें, डैमेज तो बड़ा हुआ बसपा का, लेकिन बीजेपी भी किनारा कर रही, समाजवादी पार्टी अब सीधी लड़ाई की बात करने लगी बीजेपी से कि बसपा तो एकदम से और भी किनारे हो गई, उसमें कांग्रेस का रोल क्या, और खुद बीएसपी के जो तमाम माननीय विधायक हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि नेता वो हमारी हैं, लेकिन फैसला उनका गलत था या कोऑर्डिनेटर का गलत था, हम भी 2022 में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए अतुल जी, कांग्रेस अभी किसी भूमिका में नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। दूसरी बात, जो अभी बसपा से निलंबित किए गए विधायक बिंद जी कह रहे हैं, आप देखिए कितना हास्यास्पद, ये ठीक वैसा ही है, उखली के अंदर और चोटों के बाहर। उन्होंने कहा कि हम मायावती जी के प्रति हमारा आदर है, सम्मान है, बसपा की नीतियों रीतियों के प्रति हमारी पूरी आस्था है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलेगा तो खटोला ही बिछेगा। मतलब अब राजनीतिक दलों का कोई कैरेक्टर नहीं मुझे लगता है। प्रमोद जी, ये तो बड़ी ईमानदारी वाली बात कही हाकिम साहब ने, कम से कम इतनी ईमानदारी तो वो दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं, नेता भी हमारी है, वो नहीं होगी टिकट तो फिर हम कहीं और जाएंगे भी, क्योंकि जनता उनके साथ है। अरे अतुल जी, सवाल ये है कि फिर आप ये तो पार्टी है, पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है, ये नीति और रीति और सिद्धांत है, तो एक तरफ तो आप पार्टी की सिद्धांत की बात, पार्टी से बदे रहने की बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं खटोला ही बिछेगा, अगर टिकट मिलेगा तो सम्मान है और आदर है, और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं। ठीक है गोस्वामी साहब, बहुत जल्दी से मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा फाइनल कमेंट के लिए, लेकिन अब यहां पर सवाल सिर्फ इतना है, कमर अली आपको क्या इस दौर में बचने की जरूरत मायावती से इसलिए लग रही है कि एक्सपोज हो गए जो सपा आरोप लगा रही, या वाकई आपका कोई रोल न था और भविष्य में भी आपकी पार्टी, अगर आपने कह दिया तो मैं मान लूंगा कि इसी स्टैंड पर कायम रहेगी?
देखिए बेशक साफ सुथरी राजनीतिक करने वाले लोग हैं, कहीं कोई डिपेंडेंट राजनीतिक नहीं करते हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चलूं इनकी राजनीति पूरी स्वार्थ पे है। स्वार्थ पे यो है, आपने देखा कि एक सीएम होकर लड़ जाते हैं, वालिस्टर पे लड़ जाते हैं, कुर्सी छीन लेते हैं, पीडब्ल्यू कनेक्शन के चाचा थे वो छीन लेते हैं, तो इनकी कार्यशैली आपने देखी इस तरह की रही। मायावती जी के साथ गए, मेरी बात वहां पे कंप्लीट नहीं हुई थी, मायावती जी के साथ गए, उनका 18% वोट जो है मुसलमानों का है, 21% आपका हो गया, 7% मेरा हो गया, तो इस तरह से बाढ़ की राजनीति करना आप सोचिए, इस तरह से क्या लोगों को बताया जाता है कि इतना इतना वोट परसेंट इनका है, इतना है, अब हम आप गठबंधन कर लेंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो दिखा ही रहे, बराबर हम लोग मुसलमानों को दिखा के उनका वोट बैंक हासिल करेंगे। देखिए बराबर से कभी बहुजन समाज पार्टी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, 89 से देखा आपने कांग्रेस ली, वो भी डर दिखाती थी भारतीय जनता पार्टी का, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो डर दिखा कि इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक हासिल किया है, वो इस बात की लड़ाई है कि वोट बैंक मेरे पास कैसे वापस आएगा। जो भी आप घटनाक्रम ये देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि 4% लगभग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया मुसलमानों का, एक बड़ा आप बताइए परिवारवाद की पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, रामगोपाल वर्मा जी को खड़ा कर दिया, अपने खत को खड़ा किया। देखिए परिवारवाद का कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों को अगर इन्होंने दिया, अगर 18% वोट लेते नहीं, नहीं, देखिए कमल भाई मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं रोकूंगा। देखिए परिवारवाद कहना बहुत जरूरी है, मुझे पता है चुनाव आते आते सारे वाद निकल कर आते हैं और फिर विवाद निकल कर आते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं, वो कहते हैं उनको जेल भेजेंगे, वो कहते हैं उनकी जांच कराएंगे, होता कुछ नहीं है। बहरहाल मनोज यादव बहुत जल्दी से संक्षेप में बहुत शार्प कमेंट, एक एक्सपोजर आपने दे दिया अपने नेता के जरिए जनता को और एक्सपोज कर दिया दो पार्टियों को, लेकिन अब यहां पर आपकी लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से है, इस दावे में कितना दम है, क्योंकि बाकी अन्य विपक्षी दल भी आपके साथ ना खड़े होकर आपको ही एक्सपोज करने में जुट गए। देखिए निश्चित तौर पे ये बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में, जो जितने भी राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी के इस धोबी पछाड़ दांव पे जैसे चित हुए हैं चारों खाने सभी राजनीतिक दल जो जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन सबको अब बेचैनी बढ़ गई है। मैं तो बड़ा हतप्रभ हो गया अतुल जी ये सोच के कि 325 विधायकों की सीट वाली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो मायावती जी की तरफ ठा लगाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जमीन खो चुके हैं, बड़े वो जनता का बड़ा मैंडेट था लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनके पास जमीन नहीं है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ, उप चुनाव में बांगरमऊ और अमरोहा की सीट और आपके एक सीट वो हमारी देवरिया वाली, तीनों सीट पे सेम प्रत्याशी मायावती जी ने बीजेपी के कहने से उतारा। ठीक है, चलिए अगर बीजेपी अपनी जमीन खो चुकी है, बसपा तो पहले से ही जमीन के नीचे चली गई है, ये भी आपका दावा है, लेकिन आपकी जमीन अब कितनी बन पाएगी 22 में, ये आपके लिए अभी भी चुनौती है। बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया कमर अली आपका भी, प्रमोद जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में ना सिर्फ राज्यसभा चुनाव जो कि यहां पर बहुत तेज हलचल हो गई और सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, बल्कि अब यहां पर टारगेट है वो है सिर्फ 2022 का, उसके लिए सभी ने तैयारी की, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि बहन जी बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं और बीजेपी कहती है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सवाल का सही जवाब दें और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रूपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रूपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रूपए का भुगतान करना होगा। किस परिवार के 3 सदस्य फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में मुख्य भूमिकाओं में हैं?